हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ये हमारे रेस्टोरेंट वाले प्रोजेक्ट की 10th वीडियो है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सर्च इंप्लीमेंट करा था, जैसे कि हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास लिस्टिंग आ रही है, बट तब हमने स्टाइल नहीं करा था। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली सर्च पेज के स्टाइल के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं इस वीडियो में जो जो हम कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम जो ये लिस्टिंग होती है इसको बिल्कुल जो हमारी नॉर्मल लिस्टिंग थी सर्च लिस्टिंग को बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। सेकेंड, उसके अंदर ऐड और डिलीट बटन ऐड करेंगे सर्च लिस्टिंग के अंदर सेम एज इसी तरीके से। हम इसी का ही बेसिकली स्टाइल उठाने वाले हैं पूरा का पूरा। देन हमें सर्च बॉक्स का स्टाइल करना है, जो हमारा ये वाला सर्च बॉक्स है कुछ बहुत छोटा है, और इसके पूरे पेज का भी थोड़ा सा स्टाइल करना है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो इसकी लिस्टिंग है इसका थोड़ा स्टाइल करते हैं, और बिल्कुल इसको जो हमारी यहाँ पे नॉर्मल लिस्टिंग है इसी तरीके से बनाते हैं सर्च लिस्ट को भी, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम सेव करने के लिए जो हमारा कोड था वो पूरा का पूरा सर्च लिस्टिंग से ही उठा सकते हैं बेसिकली, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे टेबल चाहिए, मैं टेबल पूरी उठा लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। टेप के बाद आप कोड को कॉपी पेस्ट करना भी मत स्टार्ट करिएगा। इसका कोड आप जो मेरा गिट का मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहीं से उठाइएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप बस कोड समझिए कि हम कर क्या रहे हैं, राइट। सो ये करने के बाद भी हम जो हमने टेबल और बॉडी थी हमने जो क्लोज करनी थी वो भी हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। सो अभी जो टेबल थी ये बूटस्ट्रैप की टेबल है, जो हमें मिल नहीं रही होगी अगर देखा जाए तो, ठीक है। और मैं यहाँ पे TR भी ऐड कर लेता हूँ अभी के लिए, TR, और जो हमारे यहाँ पे लिंक थे अपडेट का और डिलीट का वो भी इसके साथ ही कॉपी हो जाएंगे, बट वो फंक्शनल नहीं होंगे। फंक्शनल करने के लिए हमें थोड़ा सा उसमें चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो परफेक्ट। सो अब देखते हैं, अभी ये कहता है कि टेबल्स एंड लिंक्स नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये हमको ये भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे हमें ऊपर से, ठीक है। सो इसके लिए भी मैं यहाँ से सारी की सारी चीज़ें उठा लेता हूँ जो कि हमें यहाँ पे चाहिए बेसिकली, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। परफेक्ट। अब ये तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं इसे सर्च करने की कोशिश करता हूँ लेट्स से ये, तो आप देखिए पूरा का पूरा स्टाइल बिल्कुल लिस्टिंग के जैसा ही आ रहा है, ठीक है। दिल्ली सर्च करता हूँ, राइट, इस तरीके से आ रहा है पूरा पूरा। बट क्या अभी ये वर्किंग है? एक्चुअली ये अभी के लिए वर्किंग नहीं है, अगर आप देखोगे तो ये एरर देने वाला है। मैं ट्राई करता हूँ डिलीट करने का, तो इसने मुझे बताया डिलीट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे हमने डिलीट फंक्शन कॉल कर रखा था यहाँ से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिलीट फंक्शन नहीं है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे डिलीट फंक्शन यही कॉपी करता हूँ। वैसे तो दोनों फंक्शन कॉमन होने चाहिए, बट प्रोजेक्ट छोटा है और ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो तो मैं इसी को यहीं से कॉल कर लेता हूँ, एक और फंक्शन बना लेता हूँ डिलीट करने का, ठीक है। अब डिलीट तो हो जाएगा। अब दिस डॉट गेट डेट गेट डेटा फंक्शन भी नहीं है जो कि लिस्टिंग लेके आ रहा था, बट हमें यहाँ पे लिस्टिंग चाहिए भी नहीं, हमें यहाँ पे सर्च रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली कर सकता हूँ कॉल दिस डॉट सर्च, लेकिन सर्च के अंदर हम यहाँ से तो जो जब यहाँ से सर्च कर रहे तो जिसके अंदर की आती है वो हम पास कर देते हैं हम यहाँ से लेके, बट यहाँ से हम कैसे पास कर सकते हैं इसके ऑप्शन नहीं है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और स्टेट लेता हूँ लास्ट सर्च नाम से, और इसको बाय डिफॉल्ट रखता हूँ मैं ब्लैंक, ठीक है। इसके अंदर मेरा सारा का सारा स्टेट का डाटा पड़ा रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, सर्च पे सबसे पहले मैं इसी को अपडेट करवा देता हूँ, दिस डॉट सेट स्टेट, और जो हमारी की सर्च हो रखी होती है मैं उसको यहाँ पे बिगली स्टेट में रख लेता हूँ, ठीक है। और जब मुझे बाद में अपने आप वो डिलीट होने के बाद, क्योंकि जब मैं डिलीट करूँगा तो ये वाला पेज अपने आप रिफ्रेश भी होना चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ से दिस डॉट स्टेट डॉट लास्ट सर्च, ये अपने आप कॉल हो जाएगी, ठीक है। सो अब देखते हैं इसके अंदर कि हमारा क्या बाकी है अभी के लिए। मैं यहाँ पे कंसोल भी खोल लेता हूँ अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो। सो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हेलो हाई करता हूँ, तो ये मेरे पास तीन के तीन रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं इस रिजल्ट को डिलीट करता हूँ तो मुझे तीन रिजल्ट दिख, वन और टू दोनों रिजल्ट दिखने चाहिए, और ये सर्च बॉक्स के अंदर भी रहना चाहिए, ठीक है। सो मैं जैसे इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हो डिलीट हो गए हैं यहाँ से, ठीक है, और वो वाला डाटा भी डिलीट हो गया है परफेक्टली, राइट। सो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे नोएडा, तो मुझे अपडेट वाले के ऊपर लेके जाएगा, और पिज्जा हट को मैं जो मर्जी चाहूँ वो मैं यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ बेसिकली, राइट। तो मैं सर्च आके अगर मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सर्च कर रहा हूँ, पिज़्ज़ा टू, ये भी परफेक्टली हमारा काम कर रहा है, राइट। तो अब क्या है कि एक तो ये
बिल्कुल कॉर्नर तक चिपके हुए हैं, तो इस पेज का थोड़ा स्टाइल करना है। और एक जो हमारा ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसको भी हमें थोड़ा स्टाइल में लेके आना है। तो उसके लिए मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप के ऊपर, क्योंकि हमने रिएक्ट इंटीग्रेट कराया तो हम चाहते हैं कि मोस्टली काम हमारा वहीं से हो जाए। मैं कॉम्पोनेंट पर जाऊँगा, कॉम्पोनेंट पर जाने के बाद में मैं सबसे पहले फॉर्म पर जाऊँगा, राइट। और इस फॉर्म के अंदर मैं यहाँ से एक फॉर्म कंट्रोल उठा सकता हूँ, लेट्स से कि मैं कोई भी फॉर्म कंट्रोल उठा लेता हूँ ये वाला, और जो मुझे फॉर्म कंट्रोल ऊपर से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ये हमें नहीं भूलना है। सो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल लगाया, और जो मैंने अब ऑन चेंज यहाँ पे उठाया था उसको उठा के मैं बिल्कुल यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। और टाइप इसका मैं टेक्स्ट दे सकता हूँ, ये बॉक्स मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत है नहीं। और प्लेस होल्डर के अंदर मैं कर सकता हूँ सर्च रेस्टोरेंट, सो लेट्स सी अभी कैसा दिख रहा है। अभी नहीं दिखेगा क्योंकि हमें यहाँ से अब तक हमने फॉर्म कंट्रोल अब तक इंपोर्ट नहीं करा है, राइट। सो मैं सबसे पहले यहाँ से फॉर्म इंपोर्ट करता हूँ हमारे बूटस्ट्रैप से, तक टेबल इंपोर्ट हुआ था और अभी के लिए हमारा फॉर्म इंपोर्ट हो गया है। अब देखते हैं, परफेक्ट, अब सही दिख रहा है, बट ये भी पूरा कंप्लीट आने लगा। इसको हैंडल करने के लिए हम कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली। अगर आप यहाँ पे कंटेनर सर्च करोगे तो आपको एक API मिल जाएगी इसकी, ये बताते हैं कि वो API है, एक्चुअली वो टैग ही है, कोई API तो वैसे नहीं है। यहाँ पे आ गया, तो अगर आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करोगे अभी के लिए तो आपको कंटेनर के ऊपर ले जाएगा। जस्ट आपको कंटेनर यहाँ से निकालना है, सेम कंटेनर लाइक दिस, और आप इसको जस्ट डिव के साथ जो आपका टॉप डिव है उसका रिप्लेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि ये ना अपने आप की विथ ले लेता है, दोनों साइड में थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग लगा देता है अपने हिसाब से। अब देखिए, अब ये परफेक्टली काम कर रहा है, देखिए अब यहाँ पे दोनों साइड में स्पेस बचा हुआ है। सो ये हमने हमारा 10th वीडियो था, और सर्च विद बूटस्ट्रैप ने अप्लाई कर लिया है। कुछ कंफ्यूजन हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कुछ क्वेरीज हो, कुछ ओपिनियन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।